मगरूर, तोता, सीरत सूरत से ज़्यादा अहम है। मोहम्मद हसन अनस। ये गर्मियों का एक खुशगवार दिन था। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। एक कौवा तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और ठंडी हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। तालाब में मौजूद राज हंस हंस ने कौवे को देखा तो कौवे के पास आ गया। उसने सलाम दुआ के बाद पूछा कि तुम आज खोए खोए से लग रहे हो। कौवे ने उदासी से कहा कि मेरा रंग इतना काला है और मेरी आवाज़ भी बहुत बुरी है। हर कोई मुझसे नफरत करता है। राज हंस ने कौवे को समझाया कि सीरत सूरत से ज़्यादा अहम है। राज हंस ने कौवे को आसान तरीके से समझाने का फैसला किया। उसने कौवे को कहानी सुनाना शुरुआत की। एक जंगल में कहीं से तोता आ गया। जंगल के परिंदों ने उससे पहले कोई तोता नहीं देखा था। आगे जारी है। तोता नहायत खूबसूरत था और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तमाम परिंदे तोते के साथ बैठा करते थे और खुशी महसूस करते थे। नतीजा ये हुआ कि तोता मगरूर हो गया। इसने तमाम परिंदों के उल्टे सीधे नाम रख दिए और उन पर तंज करने लगा। जल्द ही सारे परिंदे तोते से दूर हो गए क्योंकि जंगल में एक हुदहुद आया था। वो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी था। वो दूसरे परिंदों की मदद करके खुशी महसूस करता था। आहिस्ता आहिस्ता तमाम परिंदे तोते से दूर हो गए और हुदहुद से दोस्ती कर ली। उसी वक़्त गोशी खरगोश लकड़ियाँ लेकर जाता हुआ नज़र आया। कौवे ने कहा, गोशी भाई कहाँ जा रहे हो? गोशी ने कहा, छत की मरम्मत करनी है। कौवा गोशी की मदद करने उसके साथ चला गया। कौवे को खुश देखकर राज हंस हनस इत्मीनान महसूस कर रहा था। इली